सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये फिल्म अभी ठीक से रिलीज भी नहीं हुई है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ गया है। जी हाँ, ये फिल्म हमारे इंडिया में तो रिलीज पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन बात करें दूसरे देशों की तो दूसरे देशों में ये फिल्म 13 फेब से ही रिलीज हो गई है, जिससे कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है और इस फिल्म के अब तक के कलेक्शन है पूरे 155 मिलियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फिल्म सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में रिलीज हुई है और ये इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के कलेक्शन है और ये इस मूवी के सिर्फ दूसरे देशों के कलेक्शन है, यानी नॉर्थ अमेरिका। और बात करें यूनाइटेड स्टेट की तो अभी ये फिल्म वहाँ पर स्पेशल पेड प्रीव्यू में चल रही है, लेकिन फिर भी एक बजट आया है कि इस फिल्म ने अब तक वहाँ पर पूरे 23 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। यानी अगर दोनों कलेक्शन को मिला लिया जाए तो इस फिल्म ने पूरे 178 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। तो सोचो, जब ये फिल्म पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगी पूरी दुनिया में तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होंगे। और बात करें चाइना के कलेक्शन की तो काफी क्रिटिक्स ने ये कहा था कि ये फिल्म चाइना में फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन डिज्नी ने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। डिज्नी ने जब इसके चाइना के प्रोमो चलाए तो चाइना के हर एक प्रोमो में एक सुपर हीरो था हमारे चैडविक बॉसमैन के साथ, जिसमें वो लोग बैठकर ये बता रहे थे कि ब्लैक पैंथर मूवी एमसीयू की कितनी इम्पोर्टेंट मूवी है। तो मुझे लगता है इस कमर्शियल से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा चाइनीज ऑडियंस पर। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।